Honorable MLA, 29 Pasar ST Assembly Constituency, Lauded Deputy Commissioner, Leparada District, SP Leparada District, ABC Leparada District, Dr. Goir Arkanda, a resource person, Mr. Kennedy Bagra, resource person from Malo, team of GRK, Arunachal Pradesh Women Welfare Society, Basar Unit, all the HODs present in this August Hall, media persons, Bajar Secretary, and my official colleagues. आज का नशे से आज़ादी पखवाड़ा उत्सव में आप सभी को इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आज गैदर होने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मदर्स विजन टीम जो कैम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम आलो सुबह पहुँचा हमको कुछ ये आज का नशे से आज़ादी पखवाड़ा का विषय में कुछ बताना चाहेंगे वो लोग भी। थैंक यू आलो टीम ऑल्सो, आप सबको भी स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ का जी आर के और ए पी डब्ल्यू डब्ल्यू एस जो कि आज यहाँ हमारे साथ में है, इतना शॉर्ट नोटिस में यहाँ हमारा साथ देने के लिए आया, तो मैं ये वेलकम करते हुए आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज से लेके 12 जून 12 जून टू 26 जून हम लोगों का नशे से आज़ादी पखवाड़ा सेलिब्रेशन है, यानी कि ये हमारा वर्कशॉप ऑन ड्रग एब्यूज है। 12 जून आज सबको पता है टुडे इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 26 जून इसलिए है कि इसमें कॉमेमोरेट इसलिए किया जा रहा है कि ये वर्ल्ड ड्रग्स डे है, तो इसलिए फोर्टनाइट सेलिब्रेशन है 12 से 26। ये आज का दिन में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर से लेके हमको वर्ल्ड ड्रग्स डे में कॉमेमोरेट करना है। ये वर्कशॉप ऑन ड्रग एब्यूज का अगेंस्ट में इसको ये हमारा नशे से आज़ादी पखवाड़ा ऑब्जर्वेंस के लिए मनाया गया है। यही है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव्स, और मैं ये कहते हुए आप सभी को और एक बार इस प्रोग्राम में ऑब्जर्वेंस में आप सबको फिर एक बार वेलकम करता हूँ। थैंक यू। मूविंग ऑन टू आवर एजेंडा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर एस पी सर श्री पी एन थॉटो to give keynote address on technique of substance abuse. तो आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है, ये नशे से आज़ादी पखवाड़ा इसका लॉन्चिंग आज 12 तारीख से होना है, और ये कम्प्लीट होगा 26 अप्रैल जून में। तो एवरी ईयर 26 अप्रैल में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग उसको बनाया जाता है कि हम ड्रग्स के ऊपर भी कुछ काम करें, ऐसे इंटरनेशनल डे है तो उसी का लाइन में हमारा यहाँ अरुणाचल में भी इंडिया में भी और लाइकवाइज अरुणाचल में भी हम इसको हर साल मनाते हैं। सिंस पुलिस इज दी एनफोर्सिंग एजेंसी तो आई एम मोर इन टू कि एनफोर्समेंट इसका कैसे किया जाए, तो एनफोर्समेंट इज बेसिकली जो एनडीपीएस इज नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स को कैसे उसको एनफोर्स करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक एक्ट निकाला है एनडीपीएस एक्ट, और उसका एनफोर्समेंट में हमारा ज़्यादा रोल है। ड्रग्स एब्यूज है इस नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर मैटर नहीं है, वो दिस इज सोशल प्रॉब्लम, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सोसाइटी से ही आएगा, इट विल कम फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। इट्स नॉट लाइक कि हम कोई क्राइम है मर्डर हो गया तो हमको किसी को पकड़ना है, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो गया दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जो ड्रग इशू है इट्स सोशल प्रॉब्लम, तो इट्स में हम सभी का पार्टिसिपेशन से ही इसको हम कंट्रोल कर पाएगा या फिर इसको हम यहाँ से निकाल पाएगा, वी कैन टैकल इट। हमारा लेपारादा में एंड इवन इन द सेंट्रल बेल्ट है लेपारादा से आसपास जितना लगा हुआ है उसमें वी आर मोर इन टू कैनबिस एंड जो ओपियम डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, तो कैनबिस का भी हमारे यहाँ पे कुछ वाइल्ड ग्रोथ है, अदरवाइज पीपल आर नॉट इनटू कल्टीवेशन एज सच, जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स में है बेसिकली मोस्ट ऑफ दी ट्रैफिकिंग इट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट्स। ओकेम है इट्स बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड इन द साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज है,
क्योंकि वो कोकेन प्लेट वहीं पर मिलता है एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड देयर, तो वहाँ से फिर सारा और चारों चारों तरफ में इसका वो रहता है। बट इसको मैंने इसलिए लिया था कि क्योंकि लास्ट 2021 में आई थिंक ईटानगर में वी गॉट द केसेस ऑफ कोकेन ऑल्सो, तो दैट मीन्स कोकेन अगर ईटानगर पहुँच गया है तो रेफरेंस में पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। जो हमारा अरुणाचल का क्या अभी स्टेटस है, दिस इज द कंसोलिडेटेड फिगर्स, इसमें कैसा है, इसमें जस्ट इसको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि इसमें आप देखेंगे 2020 तक वी आर ओनली इन टू गांजा ओपियम ब्राउन शुगर हीरोइन, इसमें हमारा पूरा सारा रहता था जो सीजर्स जितना है। देन इन 2021 केस ऑफ कोकेन ऑल्सो, कोकेन 95 ग्राम्स का मिला है। इफ अगर अगर ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी को 95 ग्राम्स मिला है, दैट मीन्स स्ट्रीट्स में वो काफ़ी है, काफ़ी वो फैल चुका है। ड्रग्स का जितना भी क्वांटिटीज हम सीज करते हैं तो इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक वो स्मॉल क्वांटिटी होता है फॉर ब्राउन शुगर इज 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स एंड बिलो वो स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में क्या है कि इट्स इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूम करता है जो एब्यूजर्स है दे विल हैव वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। देन फ्रॉम ए कमर्शियल क्वांटिटीज होता है, कमर्शियल क्वांटिटी इन केस ऑफ ब्राउन शुगर इज फ्रॉम 25 ग्राम से ऊपर। तो जो कमर्शियल क्वांटिटीज मिलता है देन द पनिशमेंट इज मोर स्ट्रिक्ट और उसमें वो ज़्यादा वी आर मोर सीरियस इनटू दैट। और जो स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी का बीच में है, इट्स मोर देन स्मॉल क्वांटिटी का जो पनिशमेंट उससे ज़्यादा है कि जो ड्रग एडिक्ट है फर्स्ट वी हैव टू सी देम एज ए पेशेंट। जब तक हमारा नज़र उसको पेशेंट का जैसा नहीं जाएगा तब तक उसका हम उसको आप मेन स्ट्रीम में लेके नहीं आ पाएगा। तो इसमें पैलेटिव एक्शन में भी सेम हम सभी का ही रोल से ही उसको हम कर पाएगा। देन लास्ट इज द रिफॉर्मेटिव एक्शन, जिसमें हमारा मदर बिजनेस अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वी आर ट्राइंग टू रिफॉर्म द पीपल, उसमें रिहैबिलिटेशन में भेज रहा है। देन दे आर इवन आई वॉज वेरी कंसर्न कि रिहैबिलिटेशन से आकर, क्योंकि लास्ट जो हमने जितना सारा अरेस्ट किया है उसमें देखा बहुत लोग दो बार तीन बार रिहैबिलिटेशन जा चुका है बट दे आर अगेन गोइंग टू रिलैप्स, वो बार बार रिलैप्स हो रहा है। तो इसमें हमको अभी रिफॉर्मेटिव एक्शन में नॉट ओनली रिहैबिलिटेशन बट काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो वापस आने के बाद उसको कैसे काउंसलिंग करना है, उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आना है, देट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिहैबिलिटेशन। क्योंकि रिहैबिलिटेशन आप भेजेगा दो महीना वो ही विल बी क्लीन, देन वापस आएगा उसी दोस्त वही दोस्तों के साथ मिलेगा उसी एनवायरनमेंट में जाएगा, देन अगेन देन रिलैप्स इनटू डेथ, उसमें फिर चला जाता है। तो इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स देन काउंसलिंग सेंटर्स बोथ फॉर फैमिली एंड दी जो एडिक्ट जो एब्यूजर है। नेक्स्ट आई'd लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर गोजिर और कामदा थोड़ा सा सब्सटेंस एब्यूज का इफेक्ट्स के बारे में प्रेजेंट करें। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, वन इज स्टिमुलेंट्स एंड सेकंड इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन एंड थर्ड इज द हेलुसिनोजेंस। स्टिमुलेंट्स व्हाट इट कॉजेस, मेडिकेशंस दैट इंक्रीज अलर्टनेस, attention, energy, blood pressure, heart rate and breathing rate. Short-term this stimulants, it increase the heart rate, increase alertness, attention, energy, increase blood pressure and heart rate. In the long-term effects, the heart problem, it causes heart problems, psychosis, anger and paranoia. And central nervous system depression, medications that slow brain activity, which makes them useful for treating anxiety and sleep problems. Usually this anxiety drugs and this one, all these drugs are used for central nervous system depression. It causes drowsiness, slurred speech, poor concentration, confusion, dizziness, and problems with movement and memory, lower blood pressure and slurred speech. Alcohol, in our society, everyone thinks that alcohol is not a drug or it is not an abuser. Alcohol is the main abuser in our society. 10% takes other abusers. Almost 90% this one use alcohol as an abuser. So alcohol, causes of alcohol,
in our body, brain and nervous system. It causes stroke, dementia, impaired balance and coordination. And in the blood or the immune system, it causes anemia, low platelets, suppressed immune system. And in the sexual health, it reduces the fertility. Drinking while pregnant can also affect the health of the fetus. It usually have a low birth weight baby if the mother drinks alcohol. Thank you. Say no to drugs. अभी जो आपका एल्कोहलिज्म ड्रग प्रॉब्लम है, सब्सटेंस एब्यूज जो है, हम लोग जो इसमें गैदर हुआ है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बी डिस्कस फर्स्ट, हम लोग ये चीज़ को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी भटके हुए तो काम नहीं है. तो व्हाई यू आर डूइंग इट, इज इट वर्थ डूइंग, ये हम लोग चेक करना पड़ेगा. तो अभी जो हम लोग देख रहा है कि आपका जो इलिसिट ड्रग यूजिंग है, 750,000 पर ईयर का आपका डेथ रेशियो है पर ईयर. ये जो आपका डेथ रेशियो जो है आपका 750,000 एवरी ईयर वो जा रहा है, रिड्यूस तो होता नहीं, इंक्रीज होता है. क्यों? ये एडिक्शन कहाँ से शुरू होता है? मान लीजिए अगर हम लोग कोई एप्पल को हम लोग अगर बाइट करें, दांत से कट गया, मुंह में डालेगा, तो वो क्या होता है कि वो सीधा आपका ब्रेन का डोपामाइन को आपको एक्टिवेट करता है. एक फ्लूइड है, वो डोपामाइन निकलने से आपको प्लेजर फील होता है, मस्ती. तो मस्ती फील होने का कारण से आप उसको दोबारा जाने का मन होता है. इसका ऑपोजिट में सपोज आप जैसे खुद को पंच लगाएगा या पत्थर कोई कुछ काटेगा तो आपको क्या होता है कि पेनफुल होता है. तो पेनफुल होने के कारण से आपका डोपामाइन रिलीज नहीं होता, इसका कारण से आप ये चीज़ को, ये एक्शन को रिजेक्ट करता है. नाउ कमिंग टू द मूड अल्टरिंग सब्सटेंस, जितना भी मूड अल्टरिंग सब्सटेंस है, जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया, दारू हो गया, गांजा हो गया, स्मोकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ये क्या होता है, जैसे कि आप अगर फुटबॉल खेलेगा तो आपका प्लेजर अमाउंट जो है डोपामाइन इतना रिलीज होगा. आप सोएगा उससे थोड़ा ज़्यादा रिलीज होगा, दूध पीगा तो और थोड़ा ज़्यादा रिलीज होगा, ब्रेड खाएगा, बर्गर खाएगा और ज़्यादा रिलीज होगा. और आप अगर मूड अल्टरिंग सब्सटेंस को आप यूज़ करेंगे तो आपका फुल डॉक्यूमेंट रिलीज होता है. क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको इसी तरीका से ही डेवलप किया गया है, इसी पर्पज़ के लिए ही डिजाइन किया गया है, आपको मूड अल्टरिंग करने के लिए, आपका डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली अटैक करने के. यही रीज़न है कि वंस डन क्रेविंग टू डू द सेम ओवर एंड ओवर, यही रीज़न है कि दारू जाक्स पी ला, आज पीने के बाद में कल परसों नरसों तरसों करके आपका मतलब चेन ब्रेक नहीं होता. एक एडिक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस. आप यहाँ से शुरू करते हैं, जब आप एडिक्शन में एंटर करता है तो आपका पास में सब कुछ होता है, योर हेल्थ, योर करेक्टर, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर फ्यूचर बिल्डिंग, योर लाइफ स्कोप, योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग. आप एडिक्शन के साथ में चलता है, फाइनली आप क्या, आपका सब कुछ छूट जाएगा, योर एजुकेशन, योर हेल्थ, योर करेक्टर, योर एटीट्यूड, योर रिलेशनशिप, सब कुछ छूट जाएगा. फाइनली आपका पास में क्या रह जाएगा? ओनली द सब्सटेंस, यू एंड इट्स अगली कॉन्सिक्वेंसेस. ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, इट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस मतलब इट इज हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप. वेल, इट इज अ प्रोसेस. ये कैसा है? इट इज अ प्रोग्रेसिव पैटर्न इन ह्यूमन बिहेवियर. आप जो जैसे कि हमने परसेंट आपका स्लाइड में हाईलाइट किया कि 20% ऑफ द प्रॉब्लम जो हम लोग सब्सटेंस वालों दारू दक्ष आग से देखता है, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ होता है. पहले आप यूज़ करता है, उसके बाद आप गलत तरीका से यूज करता है, और फाइनली आप बुरी तरीका से यूज़ करता है. वो कैसा होता है? पहले आप यूज़ करता है फॉर फन, मस्ती के लिए, मतलब इंप्यूशन होता है. वो सुना है कि ड्रग्स दर वैसे होता है, वैसे होता है, वैसे. नाउ आई विश टू नो इट इन ए फिजिकल टर्म्स, एक्चुअली फिजिकली समझने का दिल होता है कैसे होता है. इस चीज़ के लिए घुसता है, उसके बाद में इट डेवलप्स इनटू अ हैबिट. बार बार करने कारण से वो आदत का रूप में तब्दील हो जाता है, एंड फाइनली वो आदत को भी पार करके नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल, जीने का सहारा, मतलब इसका बगैर आप अभी नॉर्मल नहीं हो पाता है. दिस इज हाउ इट प्रोग्रेस. क्या चीज़ है इसको इस तरीके से प्रोग्रेस कराता है? जैसे जैसे हम यूज करते हैं, हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब बर्दाश्त करने का कैपेसिटी. जैसे जैसे हमारा बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बढ़ता है, हमारा डिमांड्स बढ़ता है, यानी कि रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता है, ऑटोमेटिकली हमारा एक्टिविटीज़ बढ़ता है, यानी कि मैनेजमेंट. तो ये जो आपका पैटर्न जो आपका लाइफ में आकर डेवलप हो गया, वो आपको किस तरीका का इंसान बना देता है? आपका लाइफ एक विशियस साइकिल में घूम जाए, मतलब द सेम साइकिल, मतलब आपका लाइफ का डेली आपका मतलब फंडामेंटल बन गया, सोच लीजिए बेसिक बन जाता है. गेटिंग मिल रहा है, यूज़ कर रहा है,
फिर कहां से मिलेगा तुम रैक, मिल रहा है यूज कर रहा है, फिर कहां से मिलेगा तुम रैक? दिस विशियस साइकिल। आप अपना इस साइकिल में खुद को इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है कि नथिंग ऑफ यू योर सेल्फ इज लेफ्ट टू इन्वेस्ट इन अदर अपीयर्स ऑफ लाइफ। वो कैसे? ये जो साइकिल है, डे जो है वीक में बदलता है, वीक जो है मंथ में बदलता है, मंथ जो है ईयर्स में बदलता है, ईयर्स जो है टिकट्स में बदलता है, वो टिकट जो है डेथ में बदलता है। यही रीजन है कि आप देखिए एल्कोहलिक हम रोते हैं, इतना माँ बाप बीवी बच्चा भाई बहन रो रहा है, इतना रोने की भी इसका दिल नहीं है क्या? जा ही रहे, यूज कर ही रहे, उसका वो फीलिंग्स को, उसका जो आपका फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको वो बहुत रेगुलेट नहीं किया, तो रेगुलेट नहीं करने का कारण इमोशन जो है लेजी हो जाता है, उस इमोशन में इतना दम नहीं होता है, उतना मतलब आपका अलाइटनेस नहीं होता है कि अरे मेरा माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा रो रहा है तो आई हैव टू डू समथिंग, उतना तक का फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं। अब इसको हम लोग किस तरीके से समझेगा, आप छोटा सा बच्चा को देखिए, बच्चा जो है छोटा सा बच्चा, उसको आप देखिए ह्यूमन तो वो भी होता है, कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी में जितना ऑर्गन्स होता है बच्चा का में भी होता है, लेकिन वो बच्चा को इतना दुख दर्द इतना अच्छे से मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दुख दर्द को उसका प्रैक्टिस ही नहीं है, उतना जिया ही नहीं। ये सेम चीज है कि एडिक्ट एल्कोहलिक का पास में हो जाता है, वो उम्र से बढ़ता है, दिन से बढ़ता है, उसका जिंदगी गुजर रहा होता है, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो जुवेनाइल रह जाता है। जुवेनाइल मतलब अंडर एज, क्योंकि जब से वो यूजिंग करना शुरू हुआ उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ ही रुक गया। व्हिच इज व्हाई आप देखिए आप एडिक्ट एल्कोहलिक का करेक्टर जो है आपका मतलब बच्चा का जैसा होता है, एक मैच्योर आदमी के तरीके से नहीं आता। दिस इज द रीजन, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं होता, मतलब जितना आवर्स उसको इन्वेस्ट करके एक्सपर्टाइज गेन करना है फीलिंग्स के लिए, जितना उसको आवर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्टाइज गेन करना है सोशल लिविंग के लिए, वो से वो डिप्राइव हो जाता है ड्यू टू एक्टिव एडिक्शन। यही रीजन सब उस इंसान का नेचर क्या होता है, जब वो शुरुआत करता है उसका बिगिनिंग में जब वो यूज करता है वो क्या करता है, सिर्फ खुद को हार्म करता है, खुद को हार्म जिससे कि अपना टाइम टेबल हार्म करेगा, डेली स्ट्रक्चर सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से रहना है, अपना स्कूलिंग हार्म करेगा, अपना पॉजिटिविटी हार्म करेगा, कभी झूठ नहीं बोलने लगा, झूठ बोलना शुरू करेगा, कभी हरकत आपका अनऑर्गेनाइज वे में नहीं रहने लगा, अनऑर्गेनाइज वे में रहना शुरू करेगा, इरेशनल थिंकिंग डेवलप होना शुरू करेगा। वो जो यहाँ से यूज से जब वो मिस यूज में पहुँचता है तो उसका वो जो तरीका है उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो उसका डिमांड भी बढ़ गया, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जो उसका एक्टिविटी है इतना खराबी से इनफ नहीं होता, कॉम्पेंसेट नहीं होता रिक्वायरमेंट को, इसलिए वो अपना खराबी को थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ता है। वही खराबी इंक्रीज करने का कारण से वो खुद को हार्म करने के साथ साथ में एट द सेम टाइम वो फैमिली को भी हार्म करता है। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो खराबी है, जो हार्म एक्टिविटी है, जो दराना धमकाना ये हरकत करना फैमिली को हार्म करने के बाद में भी उसका मैनेजमेंट काफी नहीं होता, तब जाके वो निकल जाता है हार्म कॉन्सेप्ट फैमिली एट द सराउंडिंग, जिस कॉलोनी में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, उसको भी प्रॉब्लम हो जाता है।